वीडियो ऑन उन्हीं को करना चाहिए जो अपने घर के अंदर बैठे हैं। ओके तो चलो हम सब चलते मेटावर्स में। कितने लोग अमर होना चाहते, अगले 100 साल, अगले 200 साल, अगले 500 साल, अगले 1000 साल कितने लोग जीना चाहते? वो समय आ गया कि आप अमर हो सकते, पर उसके लिए एक ही कंडीशन हो सकती है कि आपके जेब में डॉलर और रुपया नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो चलेगा। तो जिसके जेब में क्रिप्टो होगा वो अमर हो सकता है, वो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल जी सकता है। तो अभी हम सबके जेब में क्रिप्टो है और हमारे चांसेस है दुनिया में सबसे ज्यादा जीने के। तो हम सब लोग अपने खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं। तो ये है क्रिप्टो की पावर। पर ये पावर तब बचेगी जब हमारे वॉलेट में क्रिप्टो बचेगा। अब बहुत सारे लोगों के पास क्रिप्टो का वॉलेट होगा लेकिन उसमें पावर नहीं होगी तो वो अमर नहीं बन पाएंगे। यानी हमने इस वीडियो से ये देखा कि आने वाला समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी कितने तेजी से ग्रो कर रही है और क्रिप्टो का फ्यूचर कितना ब्राइट है। यानी आज से 10 साल बाद धीराम डॉलर रुपया ये कचरे के भाव में मिलेगा आपको। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने पेपर के नोट है वो शायद रद्दी वाले के पास होंगे। यानी हम सबके पास क्रिप्टो का वॉलेट होना और उस वॉलेट के अंदर अलग अलग क्रिप्टो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में जीने के लिए। हमारे सबके पास 2016 का एक एग्जांपल है। वो 2016 के जो दिन हमने सबने देखे हैं, हम सब उसको याद करते हैं। कई तरह के प्रसंग हमारे ऊपर आए होंगे, जैसे महामारी में आए पिछले साल, जब हमारे बैंक में, हमारे घर में 500 और 1000 के नोट थे वो कुछ काम के नहीं थे। हम अगर मेडिकल में जाते थे, स्टोर में जाते थे, सुपरमार्केट में जाते थे तो 500 और 1000 रुपए का नोट कोई नहीं लेता था। यानी उस वक्त अचानक डिजिटल मनी का दौर आ गया और एक डिजिटल बैंक था जिसका नाम पेटीएम था, रातों रात देश का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक बन गया। उसके पहले उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं था, कोई उसको यूज नहीं करना चाहता था। तो आज सेम सिनेरियो क्रिप्टो बाजार का है। आज लोगों को क्रिप्टो समझ में नहीं आ रहा है, लोग उसको लॉटरी की टिकट की तरह ले रहे हैं। लोगों ने उसको टेम्पररी सोल्यूशन बना दिया है कि चलो इसमें पैसे बन रहे, फटाफट इसको बाय करके साल भर में पैसे बना देते हैं। लेकिन ये अगले 5-10 साल के अंदर वो 2016 की तरह पेपर नोट को क्लोज करके डिजिटल नोट को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 5-10 साल के अंदर सेम सिनेरियो क्रिप्टो बाजार का पेपर नोट के साथ हो सकता है। तो मेटावर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने इस तरह का वीडियो पहली बार देखा होगा। तो आप जब गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जब वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अब इलॉन मस्क जो टाइम मशीन बना रहे वो तो इससे भी खतरनाक है। आप पिछले 2-3-4 जनरेशन में जो आपके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनसे भी आप जाके बात कर सकते, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी आवाज सुन सकते। तो हम सबको फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी पे विश्वास करना होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के लिए।
क्योंकि आने वाली दुनिया ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से चलने वाली। पहले हमारे बैंक के एफडी में पैसे हुआ करते थे, अब हमारे एफडी में क्रिप्टो होने चाहिए। चलो, आज बहुत सारे लोगों ने पहले से हैंडल्स किए, इनको पूछते कि क्या चैलेंजेस इनके पास। शिवम शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हैंडरेज उन्हीं को करना है जो एक जगह पे बैठे हैं, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर है। अगर आप बाहर घूम रहे और आपके मन में कोई अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, और आपने हैंडरेज किया है, तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपको और सबको डिस्टर्ब कर सकता है। शिवम शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शिवम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन सी सिटी से? सर, मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। ओके, बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं सुबह जैसे बाय बुक्स ओपन किया तो वहां से सर कॉइन विड्रॉल नहीं हो रहा अभी सर। ओके, तो ये अब ओपन होगा या बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है, इसके बारे में सर मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कोई सोशल मीडिया में किसी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में? हाँ जी सर, हूँ सर। अच्छा, जूम के मीटिंग में डेली आते हो या पहली बार आए हो आज? नहीं सर, पहले आता था, अभी काफी समय से नहीं आ पाया। आज आपका अकाउंट नहीं चल रहा, इसलिए आ गए हो दोबारा। राइट सर, राइट राइट। अब शायद वो पैसे आपके सुबह हो गए। ओके, जितना भी अल्टीमा या पीएलसी आपका बाय बॉक्स पे है वो खत्म हो गया, मतलब उसकी वैल्यू आपके लिए जीरो है। मतलब वहां से वो अभी विड्रॉल नहीं हो पाएंगे, सिर्फ सेल ही करना पड़ेगा वहां पे। अगर सेल भी करने का परमिशन आपको अगले दो दिन होगा, उसके बाद भी वो हट जाएगा वहां से। तो मतलब जल्दी से जल्दी वहां से सेल आउट कर लो, जिस भी प्राइस में बिकता हो वहां पे। जल्दी का मतलब कुछ नहीं, जल्दी अगर आपका नसीब अच्छा है तो जल्दी है, अदरवाइज गया हो। राइट सर, राइट। तो आप अभी देख लो उसका, अगर यूएसडीटी बन रहा है तो यूएसडीटी बना दो, अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर वो आपका पैसा जीरो हो गया। देवेंद्र पाल, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जी। सॉरी देवेंद्र जी, गलती से मैंने गलत बटन दबा दिया, आप दोबारा हैंडल्स कर सकते हैं। प्रदीप कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओके, प्रदीप जी से बात करने से पहले दोबारा एक रिमाइंडर है, पिछले एक महीने से लगातार एलेक्स सर के वॉइस कॉल आ रहे हैं, लगातार लीडर्स अपने अपने ग्रुप में बाय बॉक्स के बारे में मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम सब में जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे, हमारी टीम है, अगर किसी ने बाय बॉक्स पे अपना पीएलसी या अल्टीमा रखा है या प्लेटिन वर्ल्ड का कोई भी टोकन रखा है, उसको वहां से विद इन अ मिनट आपको रिमूव करना है। आप इस मीटिंग में बैठे तो भी आप अपना बाय बॉक्स का अकाउंट ओपन कर लो और वहां से अपने क्वाइन को रिमूव कर दो। किसी भी एक्सचेंज पे आप लेके जा सकते हैं या बाय बॉक्स के ऊपर उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। आपके टीम के अंदर आप वॉइस कॉल डाल दो, जो भाषा उनको समझ में आती है, जो स्टेट की भाषा उनको समझ में आती है, और उसके बाद अगर दोबारा यहाँ पे आके किसी ने क्वेश्चन पूछा बाय बॉक्स का, तो उसको अगले सेकंड में ब्लॉक किया जाएगा, उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। करण सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। करण सिंह जी, गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क का इश्यू होगा। ओके, प्रदीप कुमार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। हाँ सर, वो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ये जो वीडियो चली थी पहले मेटावर्स की सर, मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक चैट में डाल दिया जाए। ओके, बस ओके। इतना है सर। गुड गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सजेशन है आपका। जिसको वैल्यू चाहता है वो हमेशा
यही सोचते कि नॉलेज और हमारे पास हो तो और अच्छा होगा हमारे लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है, इसका लिंक आपको सारे ग्रुप में मिलेगा। देवेंद्र पाल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बाहुबली कापसे जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। कई बार तो लोग हैंड रेज करके उनको पता ही नहीं होता उनका मोबाइल कहाँ है, किचन में है, बाथरूम में है, बेडरूम में कहाँ है, किसी को पता नहीं होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये पूछना था टर्बो बोनस के लिए अप्लाई करते समय जो हम 5,000 यूरो का जो बिजनेस करते हैं वो डायरेक्ट चाहिए, लेकिन अगर मेरा अगर 11 लाख का जो मैं ये टॉपअप करने वाला हूँ या नया डायरेक्ट बिजनेस लगाने वाला हूँ तो अलग अलग 1-10 का लगाना चाहिए या 5-5 का 2 लगाए तो भी टर्बो मिलेगा? टर्बो मिलने के लिए 50% का रूल है, जैसा रैंक बोनस क्वालिफाई करने के लिए होता है, यानी आपके एक अकाउंट में 50% बिजनेस होना चाहिए उस टर्बो का। अगर 5,000 USDT का टर्बो क्वालिफाई कर रहे हैं यूरो का, तो उसमें 2,500 एक अकाउंट में होना चाहिए और बाकी 2-3 अकाउंट और हैं तो उसमें मिलके 2,500 होना चाहिए, या 2 अकाउंट में 2,500 यूरो का बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी एक अकाउंट में 50% बिजनेस होना चाहिए। तो 11 लाख का बिजनेस करते समय 5 लाख और 5 लाख का कर सकते हैं या अलग अलग होना चाहिए? नहीं, अभी मेरा मेरे को 11 लाख वाला सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है आपका। मैं 11 लाख का अगर मैं ये ले रहा हूँ अल्टीमा का फार्म ले रहा हूँ तो डिवाइड करके टर्बो बोनस के लिए मैं वो डिवाइड करके लगाना चाहिए या 5-5 का भी लगाया तो भी चलेगा? 5-5 का 2 अकाउंट आप बना सकते हैं। ओके सर, वो टॉपअप 1-10 से टॉपअप कर सकते हैं ना 5 लाख का? एक मिनट, चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं चल रहा है? ओके आ गया। हाँ जी सॉरी, आपके पास 11 लाख रुपए का एक अगर बिजनेस है तो उसको आप एक ही पर्सन का अगर 11 लाख रुपए का बिजनेस है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके मल्टीपल अकाउंट आप मत बनाओ। दूसरा 5,000 का बिजनेस आप 2,500 का बिजनेस करके पहला टर्बो क्वालिफाई कर सकते, या फिर और एक 2,500 का बिजनेस करके दूसरा टर्बो क्वालिफाई कर सकते। ओके, हम कभी कभी क्या करते हैं एक ही फैमिली के मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं। यस सर। और उनके फिर वो बार कोड वॉलेट फार्म उनको सारा संभालना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हर फैमिली के अंदर हर इन्वेस्टर का एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे आप काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। जनरेशन प्लान देखते हैं 15 लेवल का, पहले लेवल पे 20% कमीशन है, दूसरे लेवल पे 7% कमीशन है, तीसरे लेवल पे 3% कमीशन है। तो ये सोचते कि मैं अपने घर के 3-4 ID बना देता हूँ और मेरे को एक बड़ा अकाउंट बनाना है, वो 4th लेवल 5th लेवल पे बना दूंगा तो सारा कमीशन मेरे घर में आएगा। और फिर वो तो गलती, एक पहली गलती हो गई एक छोटी सी लालच में, राइट। दूसरी गलती क्या करते हैं, फिर वो 4-5 ID लगाने के बाद जैसे बिजनेस चालू कर देते हैं, अब वो हर ID के लेग ओपन कर देते हैं और एक वो चाइनीज बाम्बू बन जाता है बाद में। और जब इनको बिजनेस समझ में आता 3-6 महीने के बाद, तो उनका कोई भी प्रमोशन किसी भी एक आईडी पे प्रॉपर नहीं होता है और फिर फर्स्टेड हो जाते हैं। और फिर आपके नीचे का कोई लीडर है आपको सुपरसीड कर जाता है, वो पहले डायमंड बन जाता है, फिर उसके बाद आप डायमंड बन जाते हो तो आपको कोई इन्फिनिटी आता नहीं है। फिर 15 लेवल के नीचे प्लान चला गया, आपका लेवल इनकम जीरो हो गया, आपके नीचे का कोई लीडर डायमंड बन गया, आपका इन्फिनिटी जीरो हो गया और फिर कंपनी छोड़ के चले जाते। तो ये गलतियां नहीं करनी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहते हो तो आपको सिंगल अकाउंट पे ही काम करना है। ओके सर। अगर आप सिंगल अकाउंट पे काम करेंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। आज मैं देखता हूँ 5 साल बाद दुनिया भर के लीडर्स हैं हमारे बीच में जिन्होंने डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड तक का रैंक क्वालिफाई किया, लेकिन आप 2-2, 3-3 साल से उधर ही बैठे अपने खुद के गलतियों से। अब वो बड़ी रैंक क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ही गलत लगा दिया। उनके सारे अच्छे लीडर्स वो एक ही ग्रुप के अंदर आ गए, एक ही लेवल के अंदर आ गए। अब वहां पे बिजनेस का फ्लो बढ़ गया, नीचे के लीडर्स के प्रमोशंस हो रहे और ऊपर दूसरे लेग में इनके पास कोई अच्छा ग्रुप नहीं है, अच्छे लीडर्स नहीं है, तो उनका दूसरा ग्रुप जो उनको बिजनेस को मैच करने के लिए कंडीशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
तो ये गलतियां तब होती है जब हम मल्टीपल अकाउंट में काम करते हैं। अभी भी अगर आपने मल्टीपल अकाउंट में काम करना शुरू किया है तो आपको उस गलती को सुधारने का एक ही सोल्यूशन है, सबसे टॉप में जो आपका आईडी है उससे आप दोबारा काम को स्टार्ट कर दो, उसके डायरेक्ट लेग्स आप ओपन करना शुरू करो, उसके डायरेक्ट लेग में एक्टिव ग्रुप स्टार्ट कर दो, ताकि आने वाले समय में जो ऑलरेडी बिजनेस है वो 50% रूल में आ जाएगा और बाकी का 50% मिला के आपके प्रमोशंस फास्ट हो सकते हैं। यानी आपका कोई भी टीम लीडर आपको सुपरसीट नहीं करेगा, आपका जो इन्फिनिटी बोनस है वो आपके हाथ से नहीं चला जाएगा, क्योंकि 15 लेवल का कमीशन बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल लेग डायरेक्ट में है तो फिर आपका 15 लेवल में बिजनेस होगा। एक लीडर को अपने फ्रंट लाइन में 50 से ज्यादा डायरेक्ट अकाउंट बनाने चाहिए और उसमें से 5 लीडर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो सबसे स्ट्रांग लीडर्स है, और फिर 5 का मैट्रिक्स आप लेके नीचे चलो। 5 के बाद 25 हो जाएगा सेकंड लेवल पे, 25 के बाद 125 हो जाएंगे, फिर 625 हो जाएंगे। इस तरह से जब आप मैट्रिक बनाएंगे तो 15 लेवल के अंदर आधा इंडिया आ जाएगा, यानी आपका कमीशन कभी भी लैप्स नहीं होगा। तो ये तब पॉसिबल है जब आप एक सिंगल अकाउंट में काम करें। तो इसलिए अगर हम एज ए इन्वेस्टर किसी को टर्बो का कैलकुलेशन दे रहे कि तुम 10 लाख रुपए लेके आओ, तुम्हारे फैमिली के 4 लोगों के नाम लेके आओ, तो ये हम गलत कर रहे हैं। इन्वेस्टर को टर्बो की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर को फार्म खरीदना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और स्टेकिंग करके अगले 12 महीने कॉइन को मिंट करना है। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि तुमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा दिए, बस अगले महीने से तुम्हारे घर पे एक मशीन आई है, वो मशीन तुमको पैसे छाप के देगी। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आपने एक क्रिप्टो बाजार के अंदर एक सॉफ्टवेयर बाय किया है जिसमें आप कॉइन को एक्सचेंज से खरीदते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो अगले 12 महीने आपको कॉइन प्रोड्यूस करके देता है। अब तक आपके पैसे नहीं बने, 12 महीने में आपके कोई पैसे नहीं बनने वाले, आपके पास कॉइन प्रोड्यूस होके आने वाला है। अगर 12 महीने के अंदर बीच में आपका जो मिंट होके कॉइन आ गए आपके वॉलेट के अंदर, उसमें आपको लगा कि यार मार्केट बहुत अच्छा है, तो जो अवेलेबल में आ गया उसमें से कुछ कॉइन को आप बेच सकते हैं और फिर बाकी कॉइन को आप फिर होल्ड कर सकते हैं। तो ये मानसिकता लोगों की हमें बनानी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनको हमें ये बोलना है कि आप अगले 12 महीने इस मशीन से कॉइन को प्रोड्यूस करने वाले, अगले 12 महीने में कोई पैसा नहीं कमाने वाले आप। हाँ, इन बिटवीन अगर मार्केट अच्छा रहा तो अवेलेबल में जो क्वांटिटी है उसको आप सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो आपको उस कॉइन को होल्ड ही करना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल। जब तक ये कंपनी जिंदा है तब तक आपका कॉइन जिंदा रहना चाहिए। शेयर मार्केट में क्या होता है, हमने किसी कंपनी का स्टॉक बाय किया और वो स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है तो जिनके पास बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है क्या, क्या विजय मल्ल्या है, कल कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके ऊपर ज्यादा बैंक का कर्जा नहीं है, उससे ज्यादा उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, क्या वो फोर्सफुली प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में या लोग सामने से जाके उसको खरीद रहे। अगर किसी कंपनी के ऊपर डेप्थ है, कर्जा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, कंपनी को प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ रहा है, लोग लाइन लगा के खरीद रहे, तो वो कंपनी सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि जितना बड़ा वो टर्नओवर करेगा, नेटवर्क बना रिवेन्यू करेगा, उतना बड़ा वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। आज अगर हमारे देश के अंदर लेटेस्ट जो हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन बने अदानी जी, देश में सबसे ज्यादा बैंक का कर्जा उनके ऊपर है, लेकिन उनके पास जो बिजनेसेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेसेस है, यानी वो फ्यूचर में बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर सकते। तो उनका जितना बड़ा डेप्थ है उसके बदले में उनके पास रिवेन्यू देने वाले बिजनेस भी है, तो वहां पे रिस्क का जो पार्ट है वो कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर विजय मल्ल्या है, उसने एयरलाइन बनाई और उसने पूरा बैंक से पैसा उठाया और हमने देखा कि पिछले 100 साल के अंदर कोई एयरलाइन में कोई बड़ा पैसा नहीं कमाया, तो वो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट। अगर हम प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम कितने पूरे दुनिया के अंदर, बिटकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, इथेरियम का अपना इकोसिस्टम है, डॉजकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, लाइटकॉइन का अपना इकोसिस्टम है, यानी दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसीज है जिनके अपने खुद के इकोसिस्टम से जो दुनिया को सर्विसेज देने के लिए मार्केट में आते। अब उसमें से हम एक है, तो हमारा इकोसिस्टम आज से 6 साल पहले स्टार्ट हुआ, 6 साल बाद कहां तक पहुंचा है, कितने इंप्लीमेंट्स किए, कितने डेवलपमेंट्स किए, अगले 5-10 साल के अंदर और कितने डेवलपमेंट्स होने वाले, हम कंपनी के वेबसाइट में जाके कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी भी चेक नहीं करते,
कि कंपनी क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। जब आप सुदर्शन सर के किसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन में आते हैं तो तब आपको पता चलता है कंपनी तो और अगले 10 साल की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वही उन चीजों को स्टडी करते हैं और वो समझते हैं। हवाई जहाज में जब हम बैठ के जाते हैं तो एक लोहे का बना हुआ हवाई जहाज कहीं 1000 किलो का वजन का है और वो हवा में उड़ के कुछ मिनट में कुछ घंटों में हमको पूरी दुनिया का सैर करवाता है और उसमें 5-10 हजार 25 हजार की टिकट लेके हम बैठ जाते हैं। अब उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है जो एक लोहे का जहाज हवा में उड़ता है, अब उसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती, बस हमें लगता है बैलगाड़ी में बैठ गए या टैक्सी में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, हमें उतना ही पता है। तो आज ब्लॉकचेन क्रिप्टो बाजार के अंदर जो प्लैटिनम वर्ल्ड का इकोसिस्टम है उसने जो इनोवेशंस किए वो कितने बड़े इनोवेशंस है हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और कितने पावरफुल इनोवेशंस अगले 10 साल में आने वाले उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। यानी प्लैटिनम वर्ल्ड का इकोसिस्टम अगले 10 साल की तैयारी कर रहा है और हम क्या सोच रहे अगले महीने मिंटिंग का कॉइन कब आएगा और मैं कब बेच के बाहर निकलूंगा। 12 महीने के बाद बोलेंगे अरे प्लैटिनम वर्ल्ड तो इधर ही है भाई, बाहर निकल गया। और पिछले 5 साल के अंदर मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, उनको उनकी गलत फहमी थी, उनकी मानसिकता थी, उनको ऐसा लगता है जो एक नेटवर्कर जब किसी कंपनी में जाता है तो पहले बोलता है कंपनी स्टार्ट कब हुई है, बोले अभी 8 दिन पहले हुई है, चलो मेरा आईडी लगा दो। क्यों? उसको मालूम है कि कोई भी नई कंपनी 6 महीना चलती है, ये उसकी मानसिकता अपनी खुद की, और वो 6 महीने के बाद खुद वो डेड हो जाता है, फिर वो नई कंपनी ढूंढता है और फिर वो 6 महीने के बाद जब बंद होती है तो पीछे मुड़ के देखता है ये पिछली वाली चल रही क्या अभी तक, अरे चल रही है, फिर दोबारा यहां वापस आ जाता है या फिर कोई और कंपनी में चला जाता है, फिर 6 महीने के बाद वो बंद हो जाती है, फिर चेक करता है पिछले में से कोई चल रही क्या। तो ये नेटवर्क करके आपने खुद की मानसिकता है, और 90% नेटवर्कर ऐसा ही सोचते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी पहले 10 साल यही काम किए, यानी हमेशा इंसान अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होता है तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, यानी दुनिया को हम चला रहे। इसलिए बहुत सारे महान धुरंधर लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठेंगे, अपने शहर के किसी नाके पे जाएंगे 4 दोस्तों के साथ, उधर एक चाय की टपरी होती है, उधारी पे कटिंग चाय लेंगे और फिर बोलेंगे देखो अभी राहुल गांधी अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर बोलेंगे देखो मोदी जी अब अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश में क्या क्या होगा। ये वो नाके पे चाय की टपरी पे खड़े हैं, उधार चाय लिए, पिछले 1 महीने का बिल नहीं पे किया है और फिर वो देश की बात कर रहे हैं। तो ये दुनिया की सच्चाई है, यानी हमें पहले तो अपने बारे में सोचना है कि हम कहां पे खड़े, हमारा खुद का क्या स्टेटस है। तो जब हम अपने से शुरू करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक बदलेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। बाहुबली का अच्छा इनका क्वेश्चन हो गया है, ऋषिकेश जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? ऋषिकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कौन से सिटी से? सातारा से। ओके सातारा से बोल रहे, कौन है आपके एक्टिव डायमंड अप्लाइंग? मैंने अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है सर, एक फ्रेंड ने मुझे कल बताया था, इसलिए मैं जूम मीटिंग में आया। ज्वाइन किया नहीं, आप नए हैं। तो आपको शाम को 8 बजे इस सेम लिंक पे आके पहले कंपनी के प्रोफाइल को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, और उसके बाद जिन्होंने आपको लिंक भेजे उनके साथ डिस्कशन करना है, और फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग के सेशन में आना है। अब ये मॉर्निंग का और शाम का जो हमारा लिंक होता है वो सेम होता है, तो कई बार लोग बोलते सुबह के सेशन में आ जाओ फिर उसको सुन लो फिर उसके बाद शाम के सेशन में आ जाओ, तो पहले आप शाम के सेशन में चले जाओ, प्रोडक्ट को समझ लो, प्रोडक्ट समझने के बाद फिर आप डिसीजन ले लो, फिर उसके बाद आप जब काम करेंगे या प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब आपके कुछ क्वेश्चन चैलेंजेस होंगे तो आप सुबह के सेशन में आ सकते हैं। आदिल जी आपको इसलिए यहाँ पे हमारे नाम के आगे रैंक लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं रैंडमली ऐसे ही लोगों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जिन्होंने रैंक नहीं लिखी, हमें पता है जो लोग रैंक नहीं लिखते वो शायद नए होते
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोगों ने अभी अभी प्रोडक्ट बाय किया है और वो काम करना चाहते हैं तो वो रैंक नहीं लिखते, तो आपको अपने नाम के सामने रैंक लिखना जरूरी है जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं और आप एक एक्टिव पार्टनर बनते हैं। एज ए इन्वेस्टर आप आते हो तो आपको पता नहीं होता रैंक क्या होती है, राइट, लेकिन जब आप नेटवर्क में काम करते हो तो आपको पता है कि रैंक होती है। आदिल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। ओके, कौन है आपके डायमंड अपलाइन एक्टिव? जी सर, मिस्टर कृष्ण विनायक जी सर। क्या नाम है? मिस्टर कृष्ण विनायक। कृष्ण विनायक जी, ओके ग्रेट जी। बताइए सर, आज लेके मैं आठवां दिन है, मैं आठ दिन से ट्राई कर रहा हूँ, हैंडलेस कर रहा हूँ, मेरा कुछ क्वेश्चन है, आठ दिन के बाद मेरा नंबर आया है सर। तो ये आठ दिन के अंदर किस अपलाइन के पास आप गए ने क्वेश्चन लेके? सर वहाँ उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है सर, कॉल कर रहे तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे सर, में कुछ प्रॉब्लम हो इसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है सर। नहीं, आपके बीच में कई सारे अपलाइंस होंगे ना जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके ऊपर कोई होगा, फिर और कोई होगा, फिर आपके टॉप सीनियर होंगे, किसी ग्रुप के अंदर आप किसी से बात कर सकते हैं? नहीं, कोई ग्रुप में नहीं हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ ग्रुप में मैं आ जाऊँ, आप मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए। और कोलकाता में यहाँ पे कोई नहीं है, कोलकाता में फर्स्ट आईडी मेरी ही है, यहाँ से मैंने ही शुरू किया है सर। तो अभी लगभग तीन महीना हुआ है, तीन महीने में अभी लगभग 70 लोगों की टीम बनी है। तो एक्चुअली हमारी टीम में एक मुमताज मैम नाम की एक मैम है जो भी अच्छा काम कर रही है, मैं हूँ, और एक हमजा नाम का एक बंदा है, और एक अमन जी है। तो 70 लोगों में से चार ही लोग काम कर रहे हैं सर। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ हमारी टीम को यहाँ पे ट्रेनिंग मिले, यहाँ पे क्योंकि एडुकेशन नहीं मिल रहा है सर, इसलिए टीम एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम स्टार्टिंग पीरियड में ज्वाइनिंग कराने में प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। ज्वाइनिंग 10 को बता रहे हैं, 8 ज्वाइनिंग करा दे रहे हैं हम लोग, पर मैटर क्या है सर, ट्रेनिंग उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, अपने टीम को ट्रेनिंग दे पा रहे सर हम लोग, उन लोगों को ट्रेनिंग चाहिए सर। तो आदिल जी, आपने कब से ज्वाइन किया है सर? 3 महीने, अब ये आपका तीसरा महीना चल रहा है सर, 3 महीना कम्प्लीट हुआ है, आपका चौथा महीना चालू हुआ है सर। और उसके पहले आप क्या करते थे? सर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं काम करता था पहले, तो वहाँ मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से यहाँ पे मैं काम कर पा रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी आपने 1.5-2 साल नेटवर्क के बिजनेस में काम किया है? जी सर, जी सर। ओके, उसके बाद फिर 3 महीने बाद पहले आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और 3 महीने से आपने काम करके आपने पर्ल का रैंक भी क्वालिफाई किया, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपने पर्ल क्वालिफाई किया सर, एक महीना मैंने काम नहीं किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं देख रहा था कॉइन आता है कि पैसा आता है कि नहीं, क्योंकि पैसा आने के बाद मैंने सोचा लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो एक महीना मैंने ज्वाइनिंग किसी को नहीं कराया, 2 महीना मैंने काम किया सर। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब अल्टीमा का रेट कितना था? उस टाइम अल्टीमा रेट सर 36,000 था सर। तो आपने 36,000 था खरीदा होगा? हाँ खरीदा सर, 22 में भी खरीदा। 36,000 से अभी मान लो 3,500-4,000 के लेवल पे नीचे रेट आ गया। जी सर, जी सर। तो आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब आपने कुछ गलत डिसीजन लिया? नहीं सर, वो मैटर नहीं करता, वो मुझे पता है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा फिर बाद में। ओके, तो ये जो अभी रेट नीचे चल रहा है इसको लेके आप जब मार्केट में जाके काम करते हो और इसके ऊपर के रेट पे आपने लोगों को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, उससे आपको कोई ऐसा गिल्टी फील नहीं होता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर, ज्वाइनिंग कराने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, पर मैटर क्या है सर, मेरे टीम में लोग काम करने वाले कम है, लोग ज्यादा है। मेरी टीम में लॉयर है, प्रोफेसर है, LIC का एजेंट है, मतलब अच्छे अच्छे लोग है, पर वो लोग को ट्रेनिंग चाहिए सर। तो वो आपको फोन करके पूछते नहीं? जी सर पूछते हैं, तो मैं उनको जूम में रोज बैठता हूँ, यहाँ से नॉलेज लेता हूँ, वहाँ उनको उनका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, वो लोग नहीं बैठ पाते तो मैं उनको आंसर दे देता हूँ ऐसे करके। तो सेटिस्फाई हो जाते आंसर से वो? हाँ सर, सेटिस्फाई हो जाते। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा हूँ सर, मुझे यहाँ पे हम लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, और यहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग वर्निंग मिले सर, क्योंकि कोलकाता में कोई डायमंड नहीं है सर यहाँ पे। पिछले 3 महीने के अंदर वहाँ पे आपके जो भी सीनियर्स हैं जी, कितने अभी तक ग्रुप मीटिंग्स हुए वहाँ पे, या कितने सीनियर्स आपके पास आके गए 3 महीने के अंदर? मिस्टर कृष्ण विनायक जी को हम लोग ने 2 बार बुलाया था, वो 2 बार आए थे, तो 2 हम लोग सेमिनार यहाँ पे कराए थे, तो तीसरा सेमिनार फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर हम लोग करवाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, हर महीना मैं चाह रहा हूँ एक ऑफलाइन सेमिनार हो,
और ऑनलाइन में क्या है सर, ट्रेनिंग व्रेनिंग मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग जब तक हम लोग डायमंड नहीं बन जाए हम लोग ट्रेनिंग मिलता रहे सर, उसके बाद तो फिर अभी कितने टोटल अकाउंट्स कितने आपके साथ? 72 है, कल रात में 2 आईडी और लगी सर, 72 हो गए। ओके ग्रेट, 70 से ज्यादा अपने अकाउंट्स बनाए ऑलरेडी। छोटे छोटे ग्रुप्स कलकत्ता में काम कर रहे हैं जी, हमारे कांजी सर है जी जम्मू से, उन्होंने वो प्रॉपर वेस्ट बंगाल से, तो उन्होंने जाके वहां पे बिजनेस बिल्ड किया है, और भी बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। तो कलकत्ता में हम लोग ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे, सुदर्शन सर का ट्रेनिंग सेशन करेंगे, थॉमस सर का ट्रेनिंग सेशन करेंगे, फिर संदीप गजर सर सेशंस करेंगे, सारे लीडर्स से अभी बात करते हैं अक्टूबर में, और कलकत्ता दोबारा ओपन कर देंगे हम लोग ट्रेनिंग सेशन के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई क्वेश्चन है आपका क्लैरिटी के लिए? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर, खाली मुझे ट्रेनिंग चाहिए बस। ओके, आप डेली सुबह जूम पे आइए, यहाँ से नॉलेज रोज आता हूँ सर, 8 बजे के वेबिनार में भी लोगों को इनवाइट कीजिए। जी मैं रोज आता हूँ सर, एवरीडे आता हूँ। ओके, मेरे टीम में लोग नहीं आते हैं सर। देखो आपकी टीम में लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर है, यहाँ पे हर कोई आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता है। अब इसका अगर हम लोग एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग मिलेंगे आपको, और वो सारे नौकरी करने वाले लोगों को पता है कि नौकरी में पैसा नहीं है, पैसा किस में? बिजनेस में। लेकिन बिजनेस कोई नहीं करना चाहता है। अगर एक इंसान का 100 से ज्यादा किलो का वजन है और उसको पता है कि वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं करता है, तो ऐसी कहानी, ऐसी हकीकत है दुनिया की। दुनिया में सबको पता है बिजनेस करने से हम पैसे वाले बन सकते हैं, लेकिन कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है, सारे के सारे नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करना बहुत आसान है, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, बस किसी के ऑफिस में जाना होता है, किसी के फैक्ट्री में जाना होता है, उसने जो बोला वो काम करना होता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्क है हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, उन्हें इंसान समझता है। आप किसी की नौकरी करने जाते हो, 1 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आने के लिए 1 किलोमीटर, जाने के लिए 1 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा करना पड़ता है। अगर खुदा ना खासा कभी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक पे, बस में, किसी भी चीज से, तो उसके बाद वो कंपनी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, जिस कंपनी के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी रिस्क है। और हम सोचते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ी रिस्क है, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आपने लगा दिया और उसमें अगर नुकसान हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान लगता है, और होने से पहले हम डरते हैं। इसलिए 90% लोग नौकरी करते हैं, 10% लोग बिजनेस करते हैं। अमर सर बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, तो आप एक बार उसको देख लो, गलती से हो रहा होगा। तो ये नेटवर्क के बिजनेस के अंदर वही परसेंटेज होगा जो बाकी बिजनेस में होता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों को मिलते हैं तो लोगों को हमें 2 अपॉर्चुनिटीज बतानी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस करना है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है और इसका ये फ्यूचर है, और ये साथ में बिजनेस है, ये ऐसे काम करता है, इसका ये फ्यूचर है। अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस नहीं समझ में आ रहा आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी सीधा सामने रख दो, जिसको जो समझ में आ रहा वो करेगा, जिसको दोनों समझ में नहीं आ रहा है उसको तो देना ही नहीं, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज समझ में आ रही है, पहला प्रोडक्ट समझ में आएगा सबको, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। जब प्रोडक्ट बाय करेंगे, प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है उनको बिजनेस समझ में आएगा, वो बिजनेस में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम पहले दिन से ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको पैसा बनाने में इंटरेस्ट है। क्योंकि आप अल्टीमा का फार्म खरीद के आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी चाहिए आपके पास, आपके पास बड़ा फार्म चाहिए। अब यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर कई सारे लीडर्स है जिनका महीने का 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का मिंटिंग आता है, कुछ लोगों का तो इन करोड़ में आता है। अब वो कुछ नहीं करेंगे, 3,000 के रेट से भी अल्टीमा बेचेंगे तो भी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए महीने का अर्निंग कर रहे हैं, और रेट अगर ऊपर चला जाएगा तो और ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। तो उनको नेटवर्क का बिजनेस नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये मानसिकता में रहेंगे तो 12 महीने के बाद क्या होगा, 12 महीने के बाद वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज से पैरेलली बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया तो 12 महीने के बाद आपके पास एक अच्छी टीम होगी, आपका मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका नेटवर्क का बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा।
और फिर वो दिन पे दिन आपको बड़ा पैसा देते जाएगा। यानी आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया प्रोडक्ट के साथ, और उन्होंने प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट समझा और उन्होंने बिजनेस पे फोकस किया, तो आज 5 साल बाद उनके रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन डायमंड, डबल प्लैटिन डायमंड तक रैंक आ गए। और आज उनके पास जो नेटवर्क के बिजनेस का इनकम है उसमें एक लेवल कमीशन आता है, एक इन्फिनिटी बोनस आता है और एक रैंक बोनस आता है, और वो सारे इनकम्स कहीं लाख रुपए के, कहीं करोड़ रुपए के। तो ये अल्टिमा का फॉर्म आपको नहीं दे सकता एज ए इन्वेस्टर। अगर आपके पास 1-2-5 करोड़ रुपए है रिस्क लेने के लिए तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपके पास 25-50 हजार रुपए है, 1-2 लाख रुपए है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो साल भर के अंदर आपके खर्चे हो जाएगा, जो था वो भी चला जाएगा, जो आया था वो भी चला जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और 12 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपने 12 महीने में इस बिजनेस को समझ लिया तो ये बिजनेस आपको पूरी लाइफ पैसा रिटर्न दे सकता है, आपकी अगली जनरेशन आके इस बिजनेस में काम कर सकती है। 70 साल से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरे दुनिया में चल रहा है, हमारे देश में लगभग 30 साल से चल रहा है। आज से 30 साल पहले जिन्होंने हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, जिनकी 30, 40, 50, 60 साल की एज थी तब, आज उनकी अगली जनरेशन इस बिजनेस में काम कर रही है और उनके पास एक रेडीमेड बिजनेस है। किसी के फादर ने आज से 25 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चालू किया और आज उनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, लाखों करोड़ों का मंथली अर्निंग है। अब सेम नेटवर्क को उनका बेटा संभाल रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है इंडिया के अंदर अभी, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी कोई छोटा बिजनेस नहीं है, हमारी अगली से अगली जनरेशन इस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकती है, इस इंडस्ट्री में काम कर सकती है। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले किसने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाली कंपनी को ज्वाइन किया था और वो नेटवर्क के बिजनेस को समझ रहे और उनके बेटे को भी नेटवर्क का बिजनेस अच्छा लग रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई आप तो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन वो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू नहीं बेचेंगे। आज से 200 साल पहले हमारे देश में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी चलती थी। जब अंग्रेज आ गए तो ट्रेन आ गई, उसके बाद कार आ गई। तो आज कोई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में नहीं बैठना चाहेगा, वो समय चला गया। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम करेंगे तो उसमें हमें रिजल्ट्स और फास्ट मिलेंगे। तो इसलिए लोग इस इंडस्ट्री में काम तो करेंगे, लेकिन समय के साथ वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर एक बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस मैन, आपने 50 साल पहले कोई कपड़े का दुकान चालू किया था और आज भी आपका कपड़े का दुकान चल रहा है और दुनिया तेजी से ग्रो हो रही है और आप ग्रो नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया। आप 50 साल से बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में कौन सा बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है उसको नहीं कर रहे आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ हमें बिजनेस को बदलने को आना चाहिए, समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जो प्रोडक्ट हमारे पास है तो ये आने वाले समय का सब्जेक्ट है। यानी ये इनिशियल स्टेज पे, आज से 5 साल, आज से 10 साल, आज से 15 साल, आज से 20 साल बाद ये प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत तेजी से और ज्यादा ग्रो होने वाला है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे। इसलिए सुबह हमने मेटावर्स का वीडियो चलाया था कि हमारा अगले 10 साल का फ्यूचर क्या है, 10 साल के बाद का फ्यूचर क्या है। अब ये जो हम जूम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, आज इसमें पूरे देश के लोग है। यानी आप कलकत्ता में भी बात कर रहे हैं, आप केरला में भी बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी बात कर रहे हैं, कुछ अफ्रीका से लोग आके बैठे, कुछ कनाडा से लोग आके बैठे, कुछ एशियन अलग अलग कंट्री के लोग बैठे हुए। तो ये मेटावर्स का रूप है, हम एक दूसरे को यहां पे देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जेड अजय वॉरियर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। इतना बड़ा खतरनाक नाम लिख दिया किसी ने, रूबी लिवर ट्रांसप्लांट सूरत, पता नहीं आगे क्या लिखा है। अपना खुद का नाम तो कोई है ही नहीं है, रूबी भी है, लिवर ट्रांसप्लांट भी है, मतलब ये कौन सा नाम है, उन्हीं को बुलाते हैं। आगे तो दिख ही नहीं रहा नाम क्या लिखा है पूरा। सुदेश कुमार जी, सुदेश कुमार, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। जी, सभी गुरुओं को चरण स्पर्श।
सर ये मेरी पहचान बन चुका है लीवर ट्रांसप्लांट। पहले तो ये बताइए इतना बड़ा नाम पढ़ने के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम से बुलाए आपको। सर एक्चुअली जिसमें 30 लाख रुपए लगे हो और जो दूसरा जीवन का स्वरूप मुझे नया जीवन मिला हो तो वो मेरी पहचान बन चुका है लीवर ट्रांसप्लांट। मैं बिल्कुल सात्विक आदमी था, आज मेरी 37 ईयर ओल्ड एज है और मेरी फतेह सर मेरे पर्पल डायमंड अपलाइन है और आपसे मेरी फोन पे बात भी कराई थी उन्होंने जब आप लोग गोवा गए थे। ओके ओके। ओ मेरी भाभी माँ ने मुझे लीवर दिया था तो ये मेरी पहचान है सर, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। इसलिए बस वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पूछे आपको। लेकिन क्या होता है देखो, हमें अपने लाइफ को इमोशनली नहीं जीना है। जी जी। हमारे जिंदगी के अंदर जो भी प्रसंग आते हैं वो हर जगह एक अलग होती है, राइट। जैसे कि आप अब इस प्लेटफॉर्म पे आप है तो यहाँ पे जो लोग है आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते। जी सर। अब हम इस प्लेटफॉर्म के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत सारे लोग मान सम्मान देते हैं, राइट, या बहुत सारी जगह पे हमें कोई नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जगह को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे तो बस अपना नाम लिखना है और अपना रैंक लिखना है ताकि बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए बाकी लोगों को। जी सर। राइट। बाकी बाहर की दुनिया में जब चले जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि आप आपके लाइफ के अंदर क्या हादसा हुआ है, किस हादसे से आप बाहर निकले, तो फिर वो प्रेरणा आप स्टेज पे आके लोगों को दे सकते हैं। अब जैसे कि मान लो अभी आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आपने अनम्यूट किया, तो उसके बाद आप बोल के बता सकते हैं कि सर मेरा एक छोटा सा स्टोरी है मैं बताना चाहता हूँ, तो उसमें हमें खुशी मिलेगी सुनने को, प्रेरणा मिलेगी आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर एक्चुअली मेरे द्वारा एक अकाउंट बनाया गया और उस पे हमने फार्म पे 0.650 का मैक्स लोड अवेलेबल किया, फार्म पैकेज बाय किए और ये गुड लक रहा, मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा। जितना मैं जाना हूँ मैं पिछले 1 जून से आपके साथ हूँ और मेरा टोटल कैरियर ही नेटवर्किंग का 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ। एक मिनट जी, आप म्यूट हो गए, जस्ट मिनट, फिर से आपको रिक्वेस्ट आ गया। जी सर। तो मैंने जो पैकेज बाय किया उसके साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था मेरी पार्टी ने, छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जब मैंने कल उसको जो बाकी जो मेरा गैप था 0.633 उसको गेट प्रॉफिट के लिए जब कॉइन डाला गया तो मैंने गेट प्रॉफिट करने से पहले ही देख लिया, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि 28 तारीख का उसमें मिंटिंग आना था लेकिन वो नहीं आया। तो उसके साथ जो वॉलेट कनेक्ट है सर वो दूसरा कनेक्ट है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि जैसे फार्म हमारे पास है हमारी आईडी पे माई वॉलेट में और जो वॉलेट है वो वॉलेट बिल्कुल अलग है, तो जो वॉलेट में जो कॉइन जाएगा वो तो जो हमारा छोटा कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसे तो रोक नहीं सकते। लेकिन जो अब हमारे पास इसमें जो मैक्स अवेलेबल लोड है और इसमें हमने कॉइन भेज दिया 0.279 उसका गेट प्रॉफिट नहीं किया, तो मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है कि वो सेफ है या अब हम वॉलेट दूसरा कैसे करें क्या करें। आपने गेट प्रॉफिट नहीं किया तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अभी तक आपका कॉइन फार्म के वॉलेट में है। फार्म और अल्टीमा वॉलेट ये दोनों भी वॉलेट का काम करते हैं जब तक आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, राइट। यानी फार्म के अंदर आपने कॉइन ट्रांसफर किया तो वहां से कॉइन को आप विड्रॉ भी ले सकते हैं, उसमें 3% आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कट जाएगा वन टाइम। अगर आपका मान लो कि आपने ऑलरेडी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है उसमें आपका मिंटिंग जा रहा है पर वो मिंटिंग आपके पास रिसीव नहीं हो रहा है, किसी और के पास जा रहा है, तो सेम फार्म के अंदर दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी वैसा ही होगा। तो उससे अच्छा अभी नया एक सॉल्यूशन आया हुआ है कि हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं पहले वाले फार्म को, अगर उसके दोनों के बारकोड आपके पास है। थॉमस सर अगर आपने मीटिंग को ज्वाइन किया तो अभी हम टेक्निकल सेशंस पे चलते हैं, तो जितने भी लोगों के टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शायद थॉमस सर ने ज्वाइन किया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये तो जो इनका जो सवाल है ये इतना टफ सवाल नहीं है। अभी अगर कॉइन अगर आपका फार्म वॉलेट की तरफ काम करता है अगर जब तक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता, राइट, तो वो वापस वो कॉइन को रीगेन ले सकते हैं वापस,
और इसको वॉलेट को बस्ट कर सकते हैं। जो छोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा इनका, खत्म क्या होगा, जो पिछला गया है वो चला जाएगा, अगला जो है हम बचा सकते हैं उसको। तो क्या इसके ऊपर अभी हम लोग एक टेक्निकल सेशन कर सकते हैं कि जिन लोगों के साथ ये चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंजेस उनके सीनियर के थ्रू भी आ रहे, बहुत सारे लोग हम लोगों के पास जाते हैं पहले दिन उनका प्रोडक्ट जब हम लोग ऑनलाइन बाय करवाते हैं जी, तो उनके बारकोड्स हमारे मोबाइल में आ जाते हैं जी, और फिर बाद में एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने के बाद हमें लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, दो चार लोग का कॉइन चोरी कर लेता हूँ। तो ये मानसिकता लोगों की बन जाती है जी, और उस वक्त फिर वो नए लोग होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं चलता है मेरा कॉइन कहाँ जा रहा है जी, और सीनियर को फोन भी करते बोलते भाई आजकल दो हैकर आ गए मार्केट के अंदर, अब हो सकता है हैकर ने लिया होगा, तो ये भी चैलेंज है। तो उन सारे लोगों को अगर जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मिंटिंग हो रहा है, आपका कॉइन वॉलेट में जा रहा है पर विड्रॉ कोई और कर रहा है जी, तो उनको एक ही ऑप्शन है, इमीडिएटली उस वॉलेट को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि आप अभी सीख चुके फार्म का बारकोड, वॉलेट का बारकोड कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे सेफ रखना है, कैसे यूज करना है जी। तो ये प्रोसेस को अगर हम अभी कंटिन्यू करेंगे कि इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, उसको रिक्वेस्ट कैसे डालना है, तो ये राइटिंग में जो रिक्वेस्ट के मैसेजेस है उसको भी हम राइटिंग में चैट बॉक्स में लिखेंगे जी, ताकि लोग पेन और पेपर से लिख के रखेंगे, जब भी उनको चैलेंज आएगा वो अपने सपोर्ट में जाके सेम मैसेज लिख सकते हैं जी। तो अभी हम उसके ऊपर डेमो कर सकते हैं क्या सर? डेमो करने का मतलब किसी का वॉलेट ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा, और ये वन डे प्रोसेस नहीं है, पहले वॉलेट को ब्लॉक करना पड़ता है, फिर फॉर्म को ब्लॉक करना पड़ता है, फिर उसके बाद कंपनी में रीसेट का मेल डालना पड़ता है, कंपनी का मेल आता है, वो चेक करता है कि ये कैसे हुआ है, वो कहते हैं कि आउटसाइड द सपोर्ट सिस्टम आप मेरे को अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे मेल करो, फिर वहां से मेल पूरा करके, और बिना केवाईसी वालों को वो एंटरटेन भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे जिन्होंने भी अकाउंट्स बनाए, जितने भी लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल है, वो आज से जो नए अकाउंट्स आप बना रहे उनका कंपलसरी पहले ही दिन केवाईसी करना बहुत जरूरी है, और जो पिछले अकाउंट्स आपने बनाए जब भी आप उनके पास जाएंगे उनका केवाईसी कंपलसरी करना बहुत जरूरी है। कभी भी कंपनी की तरफ से आपको रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं कि आपका केवाईसी नहीं है तो आपको कमीशन विड्रॉ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपके साथ कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आपका अकाउंट हैक हो गया या आपका ईमेल आईडी लॉक हो गया या आपका ओटीपी काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आपका केवाईसी नहीं है तो कंपनी की तरफ से सपोर्ट सिस्टम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पैनिक होने से अच्छा शुरुआत में थोड़ा सा समय लेके आप हर कस्टमर का केवाईसी कंपलसरी करना बहुत जरूरी है, वो लीगली भी जरूरी है। आज हमने बायबॉक्स जैसे एक्सचेंज को क्यों हटाया, सबसे बड़ा टर्नओवर हमने पिछले एक साल में बायबॉक्स को दिया है, बायबॉक्स ने हमारे ऊपर मेहरबानी की नहीं की, हमने उसको हजारों अकाउंट्स दिए। बायबॉक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जो इनलीगल एक्टिविटीज करता है, यानी विदाउट केवाईसी लोगों को एक बिटकॉइन का विड्रॉल का डेली का परमिशन देता है। तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जिनको केवाईसी नहीं करनी है, लोगों के कॉइन चोरी करके बेचने, तो उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी नहीं मिलते बाद में और उनके बारे में पता भी नहीं चलता है। जितने भी एक्सचेंज है तो मैक्सिमम एक्सचेंज पूरे दुनिया के हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें पूरे दुनिया में बिजनेस करना है, हमें सेफली बिजनेस करना है, वो अपना कस्टमर का ध्यान रखते हैं। लेकिन बायबॉक्स केवाईसी नहीं करते हैं, विदाउट केवाईसी आपको विड्रॉ का परमिशन देते हैं, तो वहां पे कभी भी वो रिस्क हो सकता है और उनका जो रेस्पॉन्स है बैकन का वो सही तरीके से मिलता नहीं टाइम पे, आपका अगर फंड विड्रॉ हो जाता है, फंस जाता है, आप उनके सपोर्ट में चले जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो ये कई सारे कारण है जिसके वजह से कंपनी ने बायबॉक्स को हटाया। अभी हमारी ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम डिसाइड कर सकते हैं किसी एक्सचेंज पे रहना और किस पे नहीं रहना है। जब कोई नया टोकन होता है तो वो किसी के पास भी जाके हाथ जोड़ सकता है। आज हम वर्ल्ड के टॉप 15 एक्सचेंज के अंदर आ गए और 2023 के अंदर दुनिया का कोई एक्सचेंज नहीं होगा जो जहां पे अल्टीमा ना हो, यानी फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, राइट? एक पेड़ को पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है, जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर वो पेड़ बन के रह जाता है, और वो समय प्लैटिन वर्ल्ड का आ गया है। तो थॉमस सर, यहाँ पे हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इससे सारे लोगों को बचना है, अपने अपलाइन से भी बचना है, राइट? कभी कभी गलती से क्या होता है कि हमारा मोबाइल किसी के हाथ में चला जाता है और उसको पता चलता है कि इसके पास अल्टीमा का बार कोड है। एक मिनट लगता है आपका बार कोड आपके व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा।
या उसका फोटोकॉपी लेने के लिए, और फिर बाद में बोलते मैंने तो किसी को दिया नहीं है। तो ये चैलेंज से बचने के लिए आपको अपने वॉलेट को डिस्कनेक्ट कैसे करना है, बार बार आपका कॉइन मिंट हो रहा है और कोई और उसको ट्रांसफर मार रहा है, तो उसको उस वॉलेट को आपको डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो डिस्कनेक्ट का प्रोसेस आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपकी टीम में किसी का फोन आ रहा है इस तरह से, तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक अपडेट भी है, अभी जैसे हम लोग करते हैं ना ये सब काम, तो क्या होता है, मैंने पिछली बार जब किया था कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 लोगों ने अपने आप को वॉलेट ब्लॉक कर दिया था बिना बात के। ये हमारी आदत है ना कि जैसे कोई प्रैक्टिस चल रहा है तो साथ साथ करते रहे, कई लोगों के फोन आए उसके बाद वो बिना बात के, ना उनका कोई अपलाइन ने चुराया था, ना उनके किसी के बार कोड कहीं था, और ना ही कहीं हैक हुआ था, उन्होंने वॉलेट ब्लॉक कर दिया। अब कंपनी को मेल डाला तो एक्सीडेंटली ब्लॉक कर दिया है, तो कंपनी कहती है ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसको रिकनक्लूड करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है, कई लोग ध्यान देते नहीं है कि हमारी बातचीत जूम में क्या चल रही है, अचानक कोई चीज़ आ रही है उनके सामने तो उन्होंने कहा चलो करके देख लेते हैं, ऐसा बहुत हुआ है। अभी हमने मोर देन 20-30 पीपल हम लोगों ने कई लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिकनक्लूड करवाया है यहाँ से, और सबके कईयों के मिंटिंग कॉइन्स आने शुरू हो गए। ओके, चलो क्वेश्चंस लेते हैं आगे, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अभी केवाईसी पे आप जो बात कर रहे हैं ना सर, अभी मल्टीपल केवाईसी भी करते हैं कई लोग, लाइक अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस से कर दिया, फिर मैं अगला आईडी लगा रहा हूँ मैं आधार कार्ड से। कंपनी के कई मेल्स अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ, कई मेल्स कंपनी ने पूछा है ये क्वेश्चन, आपने ये दो आईडी एक नाम से क्यों बनाया है। कंपनी अब क्वेश्चन आंसर राउंड पे आ चुकी है, जब इनका ऑडिट होगा तो जिन जिन के डबल मल्टीप्लाई में जिन लोगों ने लगाए हुए आईडी, वो शायद एक बंद करने का रिक्वेस्ट भी आएगा। राइट, पहले भी कंपनी ने लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए थे, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे, वो कभी कभी फिल्टर होते तो उसके बाद वो अकाउंट्स ब्लॉक हो ही जाते। ठीक है, थॉमस कुछ सवाल ले लेते हैं सर। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। लक्ष्मी करमवीर जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ना एक इशू आया कि मेरे ना आगे डाउन में किसी ने आगे मतलब के ज्वाइन कराया, मैंने पास बैट की करवाया था, तो सर वो जब रेफर लिंक से उन्होंने साइन अप किया तो सर वो उनके अंडर आया ही नहीं, वो कोई चेंगली के नाम के अंडर उनका चला गया अकाउंट। हाँ, ये इशू आ रहा है, ये इशू इसलिए आ रहा है कि आपके मल्टीपल वो खुले होते हैं, URL खुले होते हैं, और आपको ध्यान नहीं होता, और आप जब करते हो तो आपको देखना है कि स्पॉन्सर, आप कभी भी रेफरल आईडी भेजते हो ना तो बड़े ध्यान से उनसे बोला करो कि ये स्पॉन्सर आईडी कौन है। आप स्पॉन्सर आईडी राइट हैंड कॉर्नर पे अगर स्पॉन्सर आईडी दिख रहा है तो गलती हो नहीं सकती, राइट? अगर ये गलती आप कर रहे हो तो यहाँ गड़बड़ है। चलो रीचेक करते हैं, आपने आईडी लगा भी दी, अभी तो पैसे नहीं डाले, अभी तो KYC नहीं करी, जब आप उनके आईडी पे टॉप अप करते हो, माई टीम में जाकर, टीम माई टीम है ना, माई टीम में जाकर चेक करें कि उसका स्पॉन्सर कौन है, अगर आप खुद हो तो उस पे टॉप अप कराना, बहुत सिंपल है। देखो हमारा सिस्टम जो कहता है चेक रीचेक एंड डू इट, हम क्या करते हैं डू इट एंड चेक इट एंड रीचेक इट जी, है ना, तो वहां गलती होती है। बहुत सारे लोगों के साथ हुए, 1100 यूरो के आईडीज ऐसे से कहीं और लग गए और कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकती आपके। सर इसका कोई मतलब सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है सर अब कोई? सर देखो मैंने आपको क्या बोला है, ये कंपनी कोई सदर बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान पे बना के सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं कर रही है, इट्स ए इकोसिस्टम, इट्स ए कंप्लीट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनी। अगर आप इसके साथ बोलोगे कि ये कर दो वो कर दो और ऐसा कर दो वैसा कर दो, कई लोगों का फोन आता है हमें अपलाइन बदलना है, ऐसा नहीं हो सकता है जी। You should be very clear, you are working with one of the most top transparent company, जहां पर ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक सर, ठीक है, ये वो वाली कंपनी नहीं है जो कहीं से शुरू हुई थी, आपकी अपलाइन भी आपको कहती है चलो हो जाएगा काम, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट?
वंस एक बार सिस्टम में लग चुका है एक आईडी, उस आईडी को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या ब्रदर? जी सर, थैंक यू। और बताएं, अब चलते हैं दीप सिंह जेठ के पास। लोग जूम के दौरान भी फोन कर देते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे बोलने का मौका मिला। सर आओ ना, वीडियो के साथ आओ, क्यों नहीं मौका मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। आप छुप के आएंगे तो कैसे पता चलेगा। ओके ओके सर, ना जी आइए। और मैं सर, मेरा ये प्रश्न था कि मैंने सर इसमें अभी नया नया ज्वाइनिंग किया हूँ, एक महीने लगभग मुझे हुए है ना, और जेड क्वालिफाई कर रहा हूँ। और चूंकि सर क्या कई लोग को सवाल ये आता है कि सर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, जी पैसा आता है कि नहीं आता है सर, है ना। कल मुझे एक मेरी मतलब डायमंड लीडर है जिस कंपनी में, आपको बता दूं पैसा नहीं आता है। नहीं सर, मैं मुझे मालूम है आता है सर। सर पैसा नहीं आता है सर, उसको कन्वर्ट तो किया जाता है ना। यही तो देखो दिक्कत यहीं से शुरू है, पैसा नहीं आता है आपके पास, करेंसी वो आती है जो क्रिप्टो के फॉर्म में है। जी जी जी, ठीक है। आप पैसा बेच रहे हो तो आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप लोन डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आती है और वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फंडामेंटल कॉइन आ रहा है जी, राइट। तो आप ये बात बोले कि जी करेंसी आएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का बन गया, तो उस दिन उस टाइम पे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है सर, इसको जो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या लग, कई लोग बोलते हैं सर कैसे पैसा आएगा सर, इसका हमको एक नेटवर्किंग मार्केट में क्या होता है ना सर, पैसा दिखाना पड़ता है एक्चुअली कि हाँ ये पैसा हमने कमाया, इसका प्रमोशन नहीं होता है नेटवर्किंग मार्केटिंग में। ज्यादातर लोग करते हैं कि सर मैंने इतना पैसा कमाया, इतने करोड़ रुपए कमाया, इतने लाख कमाया, इतने हजार कमाया, तो ऐसा हम इसको कैसे कर सकते हैं सर। सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब पुराने बिलीव्स हैं, सिस्टम्स हैं जी, कि हमें दिखाना पड़ता है। ये दिखाने वाला जमाना गया भाई साहब, है ना। आज की डेट में वो मिठाइयों की दुकानें बंद हो गई हैं जो होली दिवाली पे बिल्कुल सजा के रखते थे, वो सब खत्म हो चुका है सिस्टम। आपको दिखाना है डिजिटल एसेट, आप उनसे बोलो मैं क्या दिखाऊं आपको, मेरा डिजिटल एसेट है, इसमें मेरे कुछ कॉइन्स हैं जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए की है, आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ इसके अंदर। हाँ मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मैंने एक ब्लॉकचेन कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, इसका प्रोफाइल ये है, इसके जो सीईओ है दुनिया के टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसका नाम 7वें-8वें नंबर पे आता है, वो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है और पिछले 6 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं, और फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर ये वो कॉइन है जिसके पास पूरा इकोसिस्टम है, जिसका अपना डेबिट कार्ड है, जिसका अपना एटीएम है, जिसका अपना पीओएस सिस्टम है। ऐसे बात करियो ना, आपका नॉलेज पता कहाँ है, आपका नॉलेज स्पेसिफिक टू मनी है। आप देखो देखो मेरी बात सुनो, आप पैसा कमा रहे हो ना, और बहुत पैसे कमा रहे हो तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अमीर आदमी को पैसा दिखाने की जरूरत नहीं होती, गरीब आदमी को दिखाने की जरूरत है। अभी आप इस सिस्टम के अंदर आए हो तो आपको दिखाना क्यों पड़ रहा है, अभी है ही नहीं आपके पास तो क्या दिखाओगे। आप कंपनी की बिलीफ सिस्टम को दिखाओ, आप कंपनी का सिस्टम दिखाओ, आप कंपनी का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो। उनको ये बताओ सर, एक लाला जी दुकान खोल के बैठे हैं और पिछले 20 साल बैठे हैं, शायद उनका बेटा भी उसमें बैठेगा, राइट। अचानक एक अमेजन कहीं गैरेज में बैठ के, अमेजन का मालिक जेफ बेजो सोच रहा था क्यों ना बायर और सेलर को मिला देते हैं, और पुराने हिसाब से बायर और सेलर को मिलाने का मतलब घोर पाप, यानी आप बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन उन्होंने मिलाया और आज वो दुनिया के टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में है। अच्छा, समझ गए। आपको वो जो लालाजी वाली थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, आपकी ग्रोथ की सीमा बहुत छोटी हो जाएगी अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को सोचेंगे। नहीं एक्चुअली क्या सर, मैं जिस संस्था में था पहले, है ना, मतलब हूँ अभी, इसको तो मैं अभी आया हूँ कि टेक्नोलॉजी में चीज समझता हूँ एक्चुअली, तो मैं इसको आया हूँ। अब क्या वहाँ के कुछ लोगों को मालूम है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ तो एक तो समझ ही में नहीं आता उनकी। अब एक ही बात पूछते हैं, किसको पैसा आया सर, कौन है जो ऐसे पैसे कमा रहा है, हम लोग पैसे कर रहे हैं। मैं आपको फिर वही बोलता हूँ, अगर आप कुएं का मेंढक बने रहना चाहिए, जाते हो आगे तक
तो उसी में रहिए, आप जितना भी छलांगे मार लो उसको पता है कि आपने नीचे ही आना है जी, उसके दिमाग में वो सोच है, आप उसको छोड़िए ना, तालाब बदलिए, कुआं बदलिए, है ना, जगह बदलना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी, तभी आपकी तकदीर बदलेगी। यहाँ बहुत क्लियर फंडा है आपको, यू हैव टू सर्च फॉर ओनली क्वालिटी पीपल जो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, नहीं तो आप पे फेथ कर सकते हैं। 2-4-10-20 लोगों से मिलिए जो आपका ए सर्कल है, उनको प्यार से मोहब्बत से कैसे भी आप अपने सिस्टम में लाइए, जूम पे लेके आइए, देखिए वो भी आपके साथ हाथ पकड़ के आपको साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के आपकी ग्रोथ में भी साथ देंगे। फिर उनके ए सर्कल पे जाइए, फिर उनके बी सर्कल पे जाइए, फिर उनके सी सर्कल पे जाइए। जिस दिन आपका ए सर्कल टू डी सर्कल पे आपका सफर हो जाएगा, आपको बिजनेस में कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री भी हो, चाहे आप मनमोहन सिंह जी भी हो, आपकी वाइफ आपको मनमोहन सिंह ही मानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, है ना? आपके परिवार वाले, आपके भाई बहन, आप कितने भी बड़ी उछाल मार लिए, छलांग मार लिए, ब्लैक डायमंड बन जाइए, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड बन जाए, योर वाइफ विल ऑलवेज ट्रीट यू एज वॉट एवर यू आर, वो आपसे कभी भी उस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये छलांग मारनी है, जो ए सर्कल से आपको डी सर्कल पे जाना है, तो उसके लिए आप इस प्रोसेस में आइए, जूम पे आइए, सुबह और शाम की मीटिंग अटेंड करिए, सीखिए टेक्नोलॉजी को, सीखिए। जब एक आदमी आपके आसपास का सर्कल जब आप में बदलाव देखेगा, आप में बदलाव देखेगा, बदलाव कहाँ से शुरू होता है, जब आपकी बोली में फर्क आएगा। यस, समझ गए, आपकी बोली में वो वाक्पटुता आएगी, जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट एंसरिंग, राइट। और डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल, दे आर मेंट फॉर पुलिंग योर लेग्स, वो हमेशा आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, आपके साथ बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो लोग आपको पब्लिसाइज करेंगे। देखो इस नेटवर्क इंडस्ट्री की जो बेस्ट पार्ट है, मैंने कभी की नहीं है, मैं पहले एक साल का मेरा इसी कंपनी में एक्सपीरियंस है। नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बेस्ट पार्ट क्या है, आप जब काम करते हैं आपकी टीम के मेंबर्स ही आपको हीरो मानने लगते हैं। यस, है ना, और वो बोलते हैं कि हमारा बॉस ऐसा, हमारा सर ऐसे, हमारा भाई ऐसे, हमारी अपलाइन ऐसे, फिर वो डुप्लीकेशन बनने लगता है, फिर आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुल करने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है जो आप अपनी टीम को बढ़ा सके। यही तरीका है काम करने का, धीरे धीरे बढ़िए, साथ बढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, और ये क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है, यहाँ पे कब मौका मिलेगा आपको छक्का मारने का, चौका मारने का, राइट। अभी देख रहे हो ना, 5-5 साल 6-6 साल पुराने लोग इस सिस्टम के अंदर मल्टी मिलियनर्स हैं, राइट। उनका जो एक महीने की आपको आय भी अगर हम सोचे 10-10-20-20 करोड़ रुपए भी है यहाँ पे, राइट। तो ये पॉसिबल यही है और कहीं नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुमताज जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, काफी देर से हाथ खड़े करके बैठे थे आप, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। चलो अगर आपको टाइम मिले तो आ जाइएगा, भूल गलती से भी कई बार हैंड रेज कर लेते हैं लोग। दिलीप सिंह जी, पर्ल अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया आपको मैंने। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? जबरदस्त, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बताए। सर मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ जी। मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे बड़े भाई साहब है सोहेल सिंह जी, जो अपकमिंग डायमंड है जी, और जो मेरे ग्रेट अपलाइन एक और है जो अपकमिंग ब्लू डायमंड है, मिस्टर सोन मेरा फ्रॉम जोधपुर जी। सर मेरी टीम से 2 दिन पहले एक क्वेश्चन आया सर, किसी ने वॉलेट को अपने को डिलीट कर दिया। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं उसको रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन उसकी केवाईसी सर कम्प्लीट नहीं हो रही, तो मुझे सर आप केवाईसी का ऐसा वीडियो लिंक भिजवाए जिससे मैं उनकी केवाईसी कर सकूं सर। वो केवाईसी उनकी अभी तक पेंडिंग बता रही है कि नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, जबकि मैंने 3 बार कर दी, तो उसमें कहां पे त्रुटि आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मैं हमेशा बोलता हूं, एक दीवार को आप धक्का दे रहे हैं और 3 साल से धक्का दे रहे हैं और वो दीवार नहीं गिर रही, तो क्या है, सेम फोर्स अप्लाई टू द सेम ऑब्जेक्ट विच विल नॉट मेक इट मूव, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेम गलती को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपकी गलती बता दूं कहां पे गड़बड़ हो रही है सर, वो मेरे को बता दूं बिना देखे,
हेलो श्योर यस हाँ सर क्या कर रहे हो जो आप केवाईसी जमा कर रहे हो है ना सेल्फी जो खींच रहे हो जी वो गलत हाँ, खींच रहे हो हाँ ठीक है सेल्फी जो खिंचवा रहे हो वो गलत खींच अच्छा, रहे हो आप जूम करके देखते हो तो बड़ा सही है एड्रेस तो सही आ रहा है क्लीन है ना अब आपको क्या करना है अच्छा, आपको मेल ईमेल आईडी से भेजना है अब आपको केवाईसी वहां छोड़ दो वो केवाईसी जो हम सिस्टम से भेजते हैं वो छोड़ दो अब आपको ईमेल आईडी में तैयार करना है आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू सबमिट माय केवाईसी बट आई एम नॉट गेटिंग इट क्लियर राइट ओके ओके ठीक है ये करने के बाद आपको क्या करना है आपको सबसे पहले आधार कार्ड का फ्रंट और बैक जमा करना है और फिर एक पेपर पे एक जगह PLCU और नेम सरनेम और अपना क्या कहते हैं नेम सरनेम और डेट ये तीनों okay. चीजें एक पेपर पे बनाइए दूसरी साइड आधार कार्ड को लीजिए मोबाइल की तरफ बैठे बिठा के करिएगा मोबाइल की तरफ उस कार्ड को ले जाइए बिल्कुल जी ठीक है और उसके बाद मोबाइल के अंदर एक ऑटो फेस डिटेक्टर ऑलरेडी होता है जो सिर्फ फेस को लेता है तो आपको क्या करना है वहां पे जो आधार कार्ड है उसकी तरफ क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हो वो जूम उसको कर लेगा फोकस उसको कर लेगा आपका फोटो खींच जाएगा थोड़ा सा चेहरा ब्लर आएगा लेकिन यही डॉक्यूमेंट भेजने का तरीका है ओके सर एक बार और कोशिश करते हैं ये 100% हो जाएगा सर जी सर बिल्कुल थैंक्स फॉर इट सर कल जरूर बताना ये चीज ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले जरूर 100% सर 100% आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए यहाँ पे को होस्ट कौन है मैं मेरे को ही को होस्ट बना दिया सर ने कई लोग अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं शिवम सूरत जी ओके शिवम सूरत जी आपके जी. नाम के आगे कई क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल सर क्वेश्चन मार्क मैंने जानबूझ के लगाया हुआ है क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं लेकिन हाँ। मैं मेरा चांस नहीं मिल पा रहा है तो पर्दे में क्यों पर्दे में क्यों हेलो समझ नहीं पाया जी मैं कह रहा हूँ पर्दे में क्यों खुल के आओ ना वीडियो चलाओ वीडियो चला रहा हूँ लेकिन होस्ट की ओर से ये डिसेबल किया गया इसलिए सर देखो जब जूम मीटिंग स्टार्ट होता है तो आपको सबको मौका मिलता है 30-60 सेकंड फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेला जाता है यहाँ पे ओके ओके सर ठीक है जिन लोगों ने अपने आप को वीडियो पे डाल देते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए डाल देते हैं तो उन सबका आता है उसके बाद जो ट्राई करते हैं उनका शायद नहीं आता है ठीक है जी 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 बताइए शिवम जी क्या सवाल है सर मेरा सवाल है मुझे अभी 2 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए और बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस को कर पा रहा हूँ और 40 लोगों का टीम भी है और कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं जेडे रैंक जो है हो रहा है और it's not जेडे इट्स जेड ओके सर जेड तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है अभी PLCU-X का फॉर्म लिया हुआ था तो वहां पे जब मुझे शुरुआत में बिल्कुल जैसे ही आया था तभी मैंने लिया था तो उस दौरान जो है मुझे नहीं गैस फीस वगैरह का पता था तो मैंने वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एक्स जो है एक्स भेज दिया था मुझे लगा कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट होगी और उतना वो ले लेगा बाकी का मैं वापस कर सकूंगा ऐसा हुआ भी फॉर्म कंप्लीट हो गया सब हुआ गया लेकिन जो फार्म पे एक्स्ट्रा एक्स चला गया है उसको मैं वापस नहीं ले पा रहा हूं बहुत ट्राई करने के बाद हर बार मेरी फीस काटी जा रही है लेकिन मैं ट्राई उसको जो है वापस नहीं ले पा रहा हूं देखो तो सर, हर आईडी के लिए सबसे पहले जब भी आप PLCU-X का फॉर्म लगाते हैं अभी आने वाला टाइम उस पर हम बात करेंगे अभी PLCU-X पे हम बात नहीं करते है ना क्योंकि अभी क्लोजिंग का टाइम है PLCU लोग कंफ्यूज होंगे फिर मेरे पास 10 सवाल आएंगे मैं PLCU-X के ऊपर इसको हम 1 तारीख को करें दोस्त अगर आप बुरा ना माने तो नहीं नहीं सर चलेगा सर मैं इतने दिन से वैसे भी वेट कर रहा हूं बस 2 दिन की बात है इस पर हम कर लेंगे क्योंकि है ना अभी हम PLCU पे कुछ सवाल ले लेते हैं 2 दिन रह गए आखिरी अलविदा करना है एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर ये जो अपना जब हम प्लेटिन वर्ल्ड वेबसाइट खोलते हैं और उसके अंदर पे जब हम अल्टीमा फार्म पे जाते हैं अल्टीमा फार्म पे जाने के बाद जब वहां से हम अल्टीमा फार्म पे जाने के बाद जब वहां से हम उसका एड्रेस निकालते हैं वॉलेट निकालते हैं तो फार्म का सर QR कोड भी आ जाता है वहां पे लेकिन वो QR कोड एक्सेप्ट नहीं करता है बाहर KYC के दौरान तो सर ऐसा क्यों हो रहा है अरे बाबा रे वो आधार वो जो QR कोड है वो नहीं है इसका
अच्छा सर, अगर यही सब ये सब ओपन हो जाए तो फिर तो आसान हो जाएगा सारा काम। लेकिन साहब वहाँ पे एड्रेस भी फार्म का दिया रहता है, ऊपर एड्रेस एड्रेस से कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो ब्लॉकचेन के अंदर दो सिस्टम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक होता है प्राइवेट की, एक होता है पब्लिक की, ठीक है। आप जिसको एड्रेस भेजते हो कि मेरे इस एड्रेस पे कॉइन भेजो या कुछ भेजो, है ना, वो होता है पब्लिक की, राइट जी। और वो होता है बिल्कुल एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, राइट। और आपका प्राइवेट की क्या करता है, वो उसको डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट मतलब उसके डीकोड कर लेता है, और डीकोड करने के बाद आपका जो कॉइन है वहां आपके वॉलेट में आ जाता है, ठीक है जी जी। ओके थैंक यू सो मच सर। ओके ब्रदर, ब्रदर थैंक यू, वेलकम। ओके आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कई लोगों का हैंड रेस है, लेकिन सुखदेव सिंह जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बढ़िया सर, बढ़िया। अमृतसर में मिले थे, होस्टिंग कर रहा था मैं। जी 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 जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बस आपकी आवाज सुन के एनर्जी डबल हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, बताएं। हाँ जी, हाँ जी। सर एक तो मेरा वही क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, मेरा वो जो आपने ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेनिंग दी थी उसके शॉर्ट वीडियोस अगर उसकी बन जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम नए लोग जितने भी हैं उनको भी हम सेंड कर सकते हैं आगे, तो अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे बड़े आसानी आसान तरीके से हमें जो है वहाँ पे काफी कुछ क्लियर हुआ था। अच्छा, तो इसके हम वीडियो एक बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं कुछ पिक्टोग्राफिक से बना देता हूँ इसको, वीडियो को। एक मैंने वीडियो अभी आपकी टीम में से ही किसी ने रिकॉर्ड किया था, यूट्यूब में डाला हुआ है। मेरे ख्याल से उनका नाम याद नहीं आ रहा, कुल्लू से हैं, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, आप वहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर समझ सकते हैं। ठीक है सर। बिजनेस कैसा चल रहा है उस सेमिनार के बाद, बिजनेस में कितना फर्क आया? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है सर, और डायमंड कर रहा हूँ जल्दी। अरे वाह, मुबारक हो आपको एडवांस में। थैंक यू सर, आपने बहुत जल्दी तरक्की की है इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आप जब भी आए एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आए, मुझे एक बहुत बड़े लीडर की आप में सारे गुण दिख रहे हैं। कैसे, क्योंकि कहते ना वो जो स्टेज पे आता है वो जरूर आगे निकलता है, ये पक्की बात है। सर वैसे 19 ईयर से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में। आई नो दैट वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर जब आईडी लगाते हैं कई बार ना वो मेल से कंफर्म करते हैं तो एरर शो करता है, और फिर वो मेल आईडी यूज नहीं हो पाता, क्या उसका कोई सलूशन है? आप आईडी कौन सी मेल आईडी से लगाते हैं, नया बना के करते हो या पुराना ही चला रहे हो? नहीं, पुराना ही जो लोगों का पहले से रनिंग में होता है। पहले से ही रनिंग, वहाँ कई बार प्रॉब्लम आती है। हाँ, कई लोग जो मेल आईडी को कई सालों से जिन्होंने खोला नहीं होता उन जगह पे दिक्कत आती है ना। आप एक काम करिए, अगर जो देखो कई लोगों के 15-15 साल 20-20 साल पुरानी मेल आईडी है, वो ऑलमोस्ट उन्होंने कई नोटिफिकेशन ऑन कर रखे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उसका जीबी चोक्ड होता है। आप इससे बेटर एक काम करें, आप नया ईमेल आईडी बना दीजिए। ठीक है सर, है ना, उसके मोबाइल के साथ उसको बांध भी दो, उसके साथ उसको 2FA भी करा दो। क्या है कि कस्टमर को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं ना, कस्टमर खुश होता है। ठीक है सर, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी मेल है, अभी क्या है सपोर्ट सिस्टम में हम मेल डालते हैं, कोई प्रॉब्लम है और सपोर्ट सिस्टम आपसे 4 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस दे देता है, लेकिन आप चेक नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे मेल के बीच में वो खो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता है। फिर वो आप फिर मेल करते हो, कंपनी कहती है मैंने आपको आज से 7 हफ्ते पहले मेल डाल दिया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। We are waiting for that answer. तो हमेशा नया ईमेल आईडी बना दो, कस्टमर को खुद बोलो कि ये नया बना दे। हाँ, उसमें मेल्स भी कम आती होंगी, बस आप यही आएगी इसी की। हाँ, ये बात। और उसमें क्या है, आप अपना 2FA लगा दिया, फिर इनका जो वॉलेट सिस्टम है उसका जो फार्म का वो है सारा, प्राइवेट की भी आप डाल सकते हो, तो उसको पता है कि बंदे के 10-20 मेल आईडी पड़े हैं और वो उसके साथ मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके ब्रदर,
अब मैं रूबी सुदेश जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी संजू सर, प्रणाम चरण स्पर्श। प्रणाम जी, प्रणाम, बताएं। सर पहले आपका और यस सर का डिस्कस हुआ, मुझे अनम्यूट कर दिया, सवाल मेरा था, आप लोगों ने 2 मिनट निकाल के मैं अनम्यूट हो गया। मैं बार बार हैंड रेस करता हूँ, मेरा लोअर कर दिया जाता है। कोई नहीं सर, मैं नया नया हूँ। आप फेसलेस मत आइए ना, फेस के साथ आइए। सर मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं लीवर ट्रांसप्लांट हूँ आपका छोटा भाई, आपसे बात भी हुई है। पहले भी हमारी बात हुई है। जी बताए। जी सर वही मेरी क्वेरी थी, तो मैं ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाऊंगा। जो उसमें बचा हुआ हमारा मैक्स लोड 0.633 जी, तो वो आपने बता दिया, उसमें हमने कॉइन डाल दिया 0.279 ठीक है जी। और अभी वो हैंड रेस भी की हुई है, जिनका वो केस है राधवी आईफोन जेड करके, उनको भी हैंड रेस किया हुआ उन्होंने। उनको भी जी 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 सर, जी सर राधवी आर ए DHBI लो जी, इनको भी अनम्यूट कर देते हैं। जब ये बोले तो आप चुप रहे, आप बोले तो ये चुप रहे, बस इतना जी, जी सर जी सर, मैंने यही इनको कहा कि मुझे तो मौका नहीं मिल रहा, आप जल्दी से आ जाइए तो शायद फिर दोनों को मौका मिल जाएगा। कई लोगों का आज अनम्यूट हो नहीं पा रहा, मैंने अभी जैसे मुमताज जी को मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ये इनका भी अनम्यूट नहीं हो रहा। आज क्या लेडीज बैन है क्या यहाँ पे? तो सर कोई नहीं, चलिए वो सुन रही होंगी। हाँ, ये सवाल एक्चुअल में वो बोलेंगे भी नहीं, मेरा ही है। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम उसमें जो जाना था 0.0167 का, वो तो चला गया, नो माइंड, लेकिन जो अब हमारा जो मैक्स लोड और वो बचा हुआ है, तो कॉइन तो हमारा सेफ है उस पर, क्योंकि हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, गेट प्रॉफिट नहीं किया, तो अब उसको हम दूसरे वॉलेट के साथ जोड़ सकते हैं सर? वॉलेट के साथ, अगर ऑलरेडी वॉलेट बना पड़ा है आपका, वॉलेट जो बना पड़ा वो हमारा खुल नहीं रहा है, वो उसका दूसरा मर्ज है वहां पे, उसका क्रिएट टी पेन वगैरह कुछ भी, मतलब जितने भी इनके पास, उस वॉलेट को डिलीट कर दो। जी जी, तो दूसरा वॉलेट जाने पे वो जो हमारा फार्म है 0.633 मैक्स लोड कर, उस पर हमारा कॉइन रखा हुआ, अभी हमने कुछ नहीं किया, 0.279 नहीं 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 बस हो जाएगा। तो सर ये क्योंकि रात पूरी रात मैं भी नहीं सो पाया और इन्हीं के यहाँ पे हूँ, आपको मैं मौका दूंगा, आपको फतेह सर के साथ आना, सर बुलेंद सर, बुलेंद सर के नंबर वन लीडर हैं ठाकुर सुनील सिंह जी, और बीजेपी से इनके छोटे भाई जेवर विधायक हैं सेकंड टाइम उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको बुलाना भी चाहेंगे सर, तो रात हम लोग बड़े डिस्टर्ब हुए, मैंने कहा जैसे संजू सर का चरण स्पर्श करने का आप मेरे को व्हाट्सएप कर देते, आपके पास मेरा नंबर है ही। जी जी जी, मैंने अभी भी लिखा चरण स्पर्श करके आपको, इसलिए क्योंकि हम लोग रात सो नहीं पाए अभी, ये वाली बात नहीं, मैंने उनको अभी को-होस्ट बना रखा है। राधवी जी अगर कर सके तो अपने आप को अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर लीजिए राधा जी। रात बच्ची ने कुछ परेशान किया, कुछ पूरी रात ये नहीं सो पाए, हम दोनों ने छुपा रखा एक्चुअली ठाकुर साहब से, जो ठाकुर साहब है नेताजी, हेलो, ये उनकी पुत्र वधु है, हम दोनों ने छुपा रखा था कि वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे जब तक संजू सर से बात नहीं होती। जी नमस्कार, जी नमस्कार, बताए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, एक्चुअली है ना मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे पास छोटा बेबी है और एक्चुअली शी इज नॉट वेल, दैट्स व्हाई मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि उसका थोड़ा डिस्टर्बेंस आता था, तो जैसे मैं सब सुन रही थी। जी तो आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपका वॉलेट को चेंज करना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, यही था ना सर, आपका आपका फ्री समय कम मिल जाए जिससे हम जूम पे आके बिल्कुल सिक्योर होके उसको कर लें, तो आपका जितने भी बजे हमें फ्री समय मिल जाए। आप एक काम करना, जूम के बाद इमीडिएट कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल है, आकाश है मेरे साथ, वो आप, मैं आपका अपना फोन उनको हैंड ओवर कर दूंगा, आपको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, हम जूम पे आके और ऑफिस में बैठ के कर लेंगे सर। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, मैं एक लास्ट ले लेता हूँ, उनको भी को होस्ट ही बना रहा हूँ ताकि वो उठा लें। मुमताज जी आप काफी देर से हैंड रेस किए हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करी है। हाँ अब आप। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पता नहीं आज क्या आपका म्यूट ही नहीं हो रहा, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। हाँ सर, पता नहीं मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सर, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ सर, और मैंने यहाँ पर विद इन मतलब मैंने जुलाई में ज्वाइन किया,
ये प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और हमारा जो डायरेक्ट मतलब इमीडिएट अपलाइन है वो कृष्ण विनायक सर हैं रांची से जो बिलोंग करते हैं सर। सर मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो फर्स्ट मिंटिंग का मुझे कॉइन आ गई थी ठीक है, बट नेक्स्ट मंथ से मेरा क्या हो रहा है वो कॉइन गायब हो रहा है और सेम वॉलेट में ही जा रहा है सर ठीक है। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एक ही अकाउंट में तीन या चार कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो तीन चार नहीं जा रहा है। जो मेरा 17-18 को आ रहा है 17 तारीख को 17th ऑफ एवरी मंथ वो ही कॉइन गायब हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? एक ही जा रहा है बाकी सारा तो कुछ नहीं जा रहा है कि बाकी मैं एक घंटे बाद दो घंटे बाद निकालती हूँ, मतलब मैंने इसके लिए वेट भी किया कि ठीक है देखते हैं ये वाला जाता है कि नहीं, बट वो नहीं गया, वो जा रहा सिर्फ थोड़ा। हाँ। आपको ईमानदार चोर मिल गया है, वो कहता है मेरी जितनी जरूरत है उतना मैं निकाल लेता हूँ। नहीं सर मुझे लग रहा है कि उसके पास मेरा पूरा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है इसलिए वो उसी टाइम जा रहा है और उसी मंथ का उसी डेट पे जा रहा है और तो फर्दर तो नहीं। काम करिए ना, सुनिए मेरी बात जी, अभी जो आपका ये जो कॉइन जा रहा है ये कब जा रहा है, मतलब अब जैसे 6 बजे है तो 6:10 पे जा रहा है या 5 मिनट के अंदर? सर 5-7 मिनट में ही, मतलब उससे अंदर ही चला जा रहा है। तो 5 मिनट तो हमारे लिए तो कोई बड़ा सर, मैं अलार्म लगा के बैठती हूँ सर, जैसे ही मेरी मतलब उसमें आता है वॉलेट में मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ उससे पहले उसका, मतलब मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, फार्म से वॉलेट में आते आते मतलब 5-4 मिनट लग ही जाता है। आप एक मैं बार बार उसको ओपन करती हूँ जी सर। इसके लिए क्या करना है आपको, एक वॉलेट आईडी बना लीजिए किसी भी मोबाइल पे अलग से जी सर ठीक है, और अब आपको यूज करना है स्कैनर जी सर, उस स्कैनर से आप ले लीजिए वो पेमेंट। ओहो ठीक है सर। यहाँ पे डालिए रिसीविंग का एड्रेस आपके दूसरे वाले फोन पे और वहां पे खोलिए स्कैनर और सीधा दबा दीजिए, उसका जब तक हाथ चलेगा तब तक आपका काम हो चुका होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलना पड़ेगा आपको। वही सर, सारा पॉइंट तो मुझे मिल रहा है बट एक ही डेट का नहीं मिल रहा है, वो बड़ा वाला है बस उसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको उतनी जरूरत होगी, देखो कितना ईमानदार आदमी। टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निकल इश्यूज रहेगा कि आपका पर्सनल मतलब आपके साथ कॉन्टेक्ट हो पाएगी सर? मेरे से मतलब पूरा इंडिया कॉन्टेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं, आप अलग से। अच्छा मॉर्निंग सेशन में हो सकती है या फिर मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी टीम को कृष्णकांत जी से ले लीजिएगा, उनके पास भी मेरा नंबर है। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अब लास्ट ले लेते हैं एक और, अपने बड़े प्यारे छोटे भाई चेतन रोहिला जी हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एमराल्ड हो चुके हैं, डायमंड की तैयारी है सर। नमस्कार। नमस्कार चेतन, कैसे हो? ठीक है सर, आप बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी कि मैं सुबह सुबह मैंने आज बीबॉक्स के ऊपर कुछ फंड बाय किया था, तो उसमें वो विड्रॉल मेंटेनेंस पे दिखा रहा है, क्या सर वो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो विड्रॉल ओपन होगा या नहीं होगा। चेतन एक बात बताओ, हर बार बिजली कटने के बाद ही बिल क्यों भरते हो आप? हेलो जी सर, आपके इतने सीनियर्स हैं आपके अपलाइन में, सुनील बघेल जी रोज यहाँ पे होस्ट बन के आते हैं, को होस्ट बन के आते हैं और अनाउंसमेंट भी होती है, क्या आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते कि बाय बॉक्स के अंदर डील करना बंद? मैं आज से 3 महीने पहले बाय बॉक्स बंद कर चुका हूं जी सर, और मैंने ये वार्निंग पहले भी दिया था, बाय बॉक्स इज वर्किंग वेरी डिफरेंटली, लेकिन कई लोगों ने कहा नहीं जी बाय बॉक्स में आसानी से काम हो जाता, आसानी से बिक जाता है सारी चीजें, क्योंकि हमें टेक्निकलिटीज का समझ आ जाता है कि कौन साथ देने वाला है कौन नहीं देने वाला। हेलो संजू सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नुकसान है सर जूम पे नहाने का। हाँ ये बात, यस इस बात पे बनती है तालियां। ये सजा मिलनी चाहिए चेतन, आप डायमंड बन जाओगे लेकिन ज्ञान कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है? ये इंपॉर्टेंट है ब्रदर, अगर आप सुबह जाग नहीं सकते तो आप में जिम, देखो विथ ग्रेटर रैंक्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, अगर आप अपना ही नहीं बचा पा रहे तो दूसरों के टीम के कैसे बचाओगे आप? सर सुबह खड़ा तो मैं 5 बजे हो जाता हूँ लेकिन जिम वगैरह चला जाता हूँ, तो इस वजह से। भाई साहब जिम की जरूरत आपको शाम को है, सुबह को नहीं है, सुबह यहाँ लगो।
ये तो कान पे जूम ये गाना सुनते हो ना, वैसे ही आप लगा के अपना जूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फेसलेस रहना है। चलो थैंक यू सो मच, बाईबॉक्स का मेल डालना है, एक जबरदस्त आपका कॉइन दिलाते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लोजिंग का टाइम है, लास्ट मैसेज है, दो मैसेज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। पहला मैसेज, डायमंड एंड अबव, एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव मीट होने वाला है, हमारा फेवरेट जगह है उमराव, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जो डायमंड एंड अबव हैं, वहाँ पे एक दिन संदीप गज्जर जी का बहुत बड़ा सेशन होने वाला है और नया होने वाला है। कई लोग कहेंगे कई बार सुना है वही सांप सीढ़ी का है, तो नहीं, इस बार सांप सीढ़ी से अलग है, क्योंकि गेम का लेवल चेंज हो चुका है, यहाँ पे मल्टी मिलियनर्स और मिलियनर्स आ चुके हैं, तो अभी क्या कहते हैं थॉटफुल बाउंटीज आर देयर, तो उस पर काम करेंगे वहाँ पर, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन होगा। 3 दिन हम लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा होगी, चाय पे चर्चा होगी और डिस्कशन होगा कि टर्बो बोनस के अंदर मैक्सिमम कैसा निकाला जाए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे कि हमारे आकाश राव हैं, राहुल शर्मा हैं, ललित सर हैं, इनसे ज्ञान लेंगे कि कमर्शियली हम कैसे बड़ा कर सकते हैं अपने बिजनेस को। टेक्निकल होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कमर्शियल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनसे ज्ञान लेंगे और बड़े बड़े सीनियर्स करेंगे। और इस बार का एक सरप्राइज एलिमेंट है कि हमारे ही जीवन के अंदर हम हमेशा दूसरों की जीवनी से आधारित होते हैं, प्रेरित होते हैं और उसी पे चलते हैं, तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे हैं, उन सब के लाइव टेस्टिमोनियल्स होंगे, एक स्टोरी टेलिंग होगी, तो ये सरप्राइज पैकेज होगा हमारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार होने वाला है, 3 दिन का सेशन और डायमंड्स के साथ होने वाला है, कॉफ़ी चाय और खाना सब कुछ साथ में करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2 दिन रह गए या 3 दिन रह गए, कितने दिन रह गए, एग्जैक्टली 2 दिन रह गए, तो 2 दिन के अंदर मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करें, लोगों तक जाएं, उन लोगों तक जाएं जो ऑलरेडी सिस्टम को जानते हैं, उनको अश्योरिटी दें और इस बिजनेस में लेके आएँ और अपनी कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और तब तक के लिए अलविदा, 10 विदानियाँ, शब्बा खैर, बाय।